कुत्ता शरीफ। गरीब आदमी। अरे गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द आवर न्यू ब्लॉग। फिलहाल अभी है ना जा रहा हूँ दुकान, तो कल तो गए नहीं, आज जाते हैं। काफी दिनों बाद अपनी फरारी चलाएंगे भाई। तो थैली आगे बांध दिया, तो इसमें तुम्बा कद्दू ठीक है और ककड़ी है दीपू के लिए। यहाँ से पहले मास्टर जी की दुकान जाके चाबी देके फिर सीधा अपने खुद के दुकान। दीपू का क्या रिएक्शन रहता है देखते हैं। फाइनली अभी इंटरवल में आ चुके हैं दीपू के घर, तो दीपू अभी तो ये बहुत खुश हुआ मैं वापस गांव से आया ना, तो सभी खुश हो गए भाई दुकान में कि भाई तू वापस आ गया, गजब का लगाया। तो इसके लिए ले ला भाई, तुम्बा ले, इसमें ले ले और राजस्थान के तुम्बा लेके आया, अभी बहुत फेवरेट लगते हैं यार, इधर तो मिलते ही नहीं। दीपू ने कहा खाना नहीं पड़ता है ये अगर इस ककड़ी राजस्थान की फेमस ये तुम्बा। हाँ कद्दू आपको हाफ कद्दू है, क्यों हाफ मैंने बना लिया था, हाफ एक क्योंकि दो लेके आए थे अभी, तो एक रिश्तेदार को दिए थे और एक हमारे लिए रहता था बड़ा वाला, तो उसमें साफ इसका हाफ मेरा। दीपू ने एक छोटा है ना ब्लॉग बनाया खुद का ही, तो इसने फर्स्ट टाइम ही बनाया, तो किस टाइप का बनाया वो आप इसी वीडियो में देख सकते हो। तो हेलो गाइस, ये बेंगलोर का समुंदर है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मस्त है एकदम। आप भी आए तो एक बार इधर आके जाना, पार्किंग है, वो पार्क भी है, सब कुछ है इधर, वॉकिंग करने के लिए भी आ सकते हैं आराम से। देखो सब इधर ऐसा बना हुआ है, सब बैठने के लिए वगैरह सब सुविधा है, और ये पूरा पानी का बना हुआ है समुद्र पूरा। आप लोग भी आए तो एक बार आके जाना है ठीक है, ओके राइट, थैंक यू। ये एंट्री गेट है, तो ये दीपू का नीचे वाला घर है, तो ऊपर इसके है ना फ्रेंड का घर है भाई। लाइट तो चालू कर, ये देखो यहाँ पे पीसी पड़ा है, वकील साहब का है, बढ़िया। यहाँ पे क्या है? अच्छा उसका रूम यहीं पे है क्या? बढ़िया ना। ओहो ये नीचे क्या सर गिरी ऐसे? कोई नहीं ओह काफी बढ़िया। तो ऊपर और भी इस तरफ बालकनी है छोटी सी, ऊपर का भी देख के आता है। मैं अभी तक गया नहीं, यहीं तक गया हूँ, सबसे छत पे नहीं गया हूँ भाई, यहाँ तक रूम से कहाँ है भाई छत, इस तरफ है क्या? हाँ ये रही छत जहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं, बिस्तर। ओ भाई यहाँ का नजारा तो काफी खतरनाक वाला यार, गजब का है, बढ़िया। यहाँ पे क्या बैठता है क्या इसके ऊपर कपड़े धोने के लिए? ये हमारी वॉशिंग मशीन। अच्छा यहाँ पे धोता है, वॉशिंग मशीन का कपड़ा साफ करना भाई। बढ़िया बढ़िया, सबसे बेस्ट है यार, कौन वॉशिंग मशीन अब करंट वाला चिपके पकड़ कर, नहीं तो हाथ वाला। हाँ वो सही से धुपता भी है, देखो कितना मस्त धुपा है एकदम। कल तो ये देखा, ये सोता लेट बहुत है यार, इसको नींद ही नहीं आती, पता नहीं क्यों। मेरे को तो 11 बजे रात को 4 बजे और देखो सुबह जल्दी भी उठ जाता है। रात को 11 बजे तो ऐसे ऐसे होने लग जाता हूँ, नींद आने लग जाती है, इसको नींद ही नहीं आती। 3:30 बजे सोया भाई, नहीं वो एक ही दिन 3:30 हुआ, 9:10 बजे छूट कितना बोलता है, 9:10 बजे तो दुकान से आके खाना बना के खाता है, अरे यार। तो ही 9:10 बज जाते हैं, झूठ कितना बोलता है देखो, लगभग सो जाता हूँ। इतना शरीफ गरीब आदमी। अरे भाई वीडियो खतरनाक दिख रही है, ऊपर आने के टाइम तो गजब ने दिखा ठीक है, अब खतरनाक दिख रहा है। आने लगा इस घर पे आ चुका हूँ, तो किस टाइप का लगा दीपू का वीडियो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। तो अभी मैं बनाने जा रहा हूँ खड्डी चावल, जो है ना मौसा जी ने कहा खड्डी चावल बना रहे, तो मैंने बोला हाँ भाई अपने क्या थोड़ा ईजी होगा बनाने में, क्योंकि यार रोटियां ना टाइम लगता है और मेहनत भी लगती है थोड़ी। सो मस्त वाली खड्डी बन चुकी है भाई, काफी बढ़िया, तो आपको दिखाता हूँ कैसे सही दिखेगी। ये देखो मस्त है, टेस्टी खड्डी है, साथ ही में चावल भी चढ़ा दिए थे, चावल भी बन चुके हैं, जल्दी से खाते हैं, काफी भूख लगी है। तो बारिश स्टार्ट हो गई है अभी, तो खाना खाते खाते एकदम मेरे को है ना आवाज आने लग गई, बारिश आ रही है। यहाँ पे देखो कैसी आ रही है, समझ में आ जाएगा। मौसम पूरा खराब हो रखा है, मतलब पूरे के पूरे बादल ही बादल हो रखा है, सुबह से ऐसा ही था मौसम। मेरे को ये काफी बढ़िया लगा यार, रिंकू का ये बनाया हुआ काफी बढ़िया, जल्दी से एक लाइक करो इसके लिए भी। इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।